हाय गाइस, मेरा नाम है संजय सैम्यूल। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि भरत सिंह वालिया और मनोज पाटिल को बिग मसल न्यूट्रिशन ने अपनी कंपनी से आउट कर दिया है। तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों करा, किस लिए करा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तब आप उसे ज़रूर देखिए और बेल आइकन को दबाएँ, वो जब भी आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भरत सिंह वालिया और मनोज पाटिल को बिग मसल न्यूट्रिशन ने अपनी कंपनी से आउट कर दिया, क्यों कर दिया। देखिए, इस पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी राय दी, उन्होंने भी इस पे वीडियो बनाया है कि भरत सिंह वालिया को और मनोज पाटिल को बिग मसल न्यूट्रिशन ने अपनी कंपनी से बाहर इसलिए करा। क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे भरत सिंह वालिया की। भरत सिंह वालिया जो है पहले एथलीट थे, लेकिन अभी डेढ़ दो साल से वो जिस तरह का शो करते हैं, रिलीजन को लेके बीच में आते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, जिसमें वो हिंदू गॉड्स के नाम लेके दूसरे एथलीट्स को वो करते हैं, और जो उनका जो चल रही थी कोल्ड वॉर चल रहा है साहिल खान से, तो उसको लेके भी वो मतलब चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन क्या होता है कि एक एथलीट अगर बॉडी बिल्डिंग में है या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेज पे, मसल बिग मसल सॉरी मसल मेनिया जैसे कंपटीशन में वो कम्पीट करके आए हैं, और यहाँ पे वो चीज़ को रिलीजन के तौर पे दिखाने की कोशिश करते दूसरे एथलीट्स को, तो वो क्या है कि इरीटेट होने लगते हैं लोग उनको, जो देखने वाले हैं समझने वाले हैं। फिर बिग मसल न्यूट्रिशन ने उन्हें हायर करा हुआ था, और वो हायर करने के बाद भी मतलब वो उनको बिग मसल न्यूट्रिशन ने भरत सिंह वालिया को हायर इसलिए करा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट को सेल करा है, वो आइकॉन बने उसके, और उसको चीज़ को प्रमोट करे ताकि कि जितने भी जिम जाने वाले बच्चे स्टूडेंट्स बड़े बूढ़े जितने भी लोग हैं उस प्रोडक्ट को परचेस करें। लेकिन वहाँ पे क्या रिलीजन के चीज़ों को दिखा के वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर्स कॉन्शन बोल रूपल डंकर राजीव फिटनेस के साथ उनकी तनातनी हुई, लेकिन फिर वो लोग गले मिल लिए एक दूसरे से बाद में। तो कहने का मतलब ये पड़ता है कि अगर एथलीट हायर होता है किसी बिग मसल न्यूट्रिशन जैसी कंपनी से, तो वो ये चाहेंगे कि वो उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा करें, प्रमोट करें, ठीक है। फिर वो वहाँ पे दूसरी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, तो क्या कंपनी वाले ये नहीं चाहेंगे कि हमेशा कोई एथलीट इन सब चीज़ों में पछड़ में पड़े, रिलीजन को लेकर बीच में वॉर करे। स्मार्ट एंड फिट के साथ में भी उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, डोपिंग में वो फंस गए, मसल मेनिया में गए, वहाँ पे बैन कर दिया वहाँ से उनको, ठीक है। बिग मसल न्यूट्रिशन ने भी उनको किकआउट कर दिया अपने उसमें से कंपनी में से। तो एक एथलीट को लोग यही चाहते हैं कि भैया वो अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग में नए हमेशा वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करे ताकि कि वो बढ़ावा दे लोगों को। उसमें ये नहीं चाहेंगे कि कंपनी वाले कि वो वहाँ जाके वो अपने उसको रिलीजन का शो ऑफ करे, ये करे वो करे। दूसरी अब इन सब चीज़ों पर मैं नहीं जाऊँगा, और साहिल खान के साथ में उन्होंने पंगा ले लिया था, और साहिल खान ने उनके ऊपर बहुत सारे बिग मसल न्यूट्रिशन को एक्सपोज वीडियोस बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे बिग मसल न्यूट्रिशन कंपनी के प्रोटीन की, ठीक है। अब बिग मसल न्यूट्रिशन प्रोटीन के बारे में भी बहुत स्कैम्स हुए हो रहे हैं, बहुत सारे जो नकली माल पकड़ाया जाता है दिल्ली मुंबई जैसे सेक्टर्स में से बिग मसल न्यूट्रिशन का, बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनियाँ बिग मसल सॉरी सप्लीमेंट शॉप्स बिग मसल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो भैया अब उनके पास में बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी वीडियो देखेंगे, बहुत सारे बिग मसल न्यूट्रिशन के प्रोटीन के डब्बे परचेस करते हैं लोग, कम प्राइस पे करते हैं, लेकिन उसकी लैब रिपोर्ट में भी निकला कि उसमें 50 ग्राम प्रोटीन ही निकल रहा है, मतलब जो क्लेम प्रोटीन है उससे वो लेस हो गया। अब जो खरीदने वाले लोग हैं वो अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसके ऊपर बिग मसल न्यूट्रिशन पे, तो बिग मसल न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी उसमें आ गया घाटे में। न्यूट्रिशन कंपनी जो है उसने उनका जो क्लेम प्रोटीन है वो उससे लेस है जो उन्होंने क्लेम करा है, तो अब जो लोग क्यों मतलब फिर इससे तो घाटे में जाएगी ना सेल। अब बात करेंगे साहिल खान की। साहिल खान से जब भी कोई एथलीट्स दुश्मनी करते हैं तो साहिल खान उन्हें अपनी कंपनी मतलब अपने उसमें मतलब उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, ये अभी तक देखने को मिला है। क्योंकि मनोज पाटिल दोनों बाहर हो गए, भरत सिंह वाले वो भी बाहर हो गए, उसके बाद से साहिल खान ने अपनी वीडियोज़ भी डिलीट कर दी बिग मसल न्यूट्रिशन स्कैम में, ठीक है। इंडियन हल्क बादल बहुत बढ़िया एथलीट है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सारे एथलीट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, भरत सिंह वालिया को भी बहुत पसंद करता था, लेकिन एक्चुअली जो उनके द्वारा जो मतलब जो दिखाया जाता था कि मैं हिंदू गॉड्स का नाम लेके वो दूसरे एथलीट्स को बोलते थे कि, तो वो क्या चीज़ इरीटेट करने लगती दूसरे लोगों को। बिल्कुल सही कहा है इंडियन हल्क बादल ने अपने वीडियो में, वो वीडियो मैंने भी देखा, मेरे को बिल्कुल पूरी तरह 100% में उनकी बातों से सहमत, ठीक है। तो
यही है, बस यही कि एक एथलीट का काम है ये है कि वो दिखाए जो बॉडी बिल्डिंग को प्रेजेंट करा, तो भी बॉडी बिल्डिंग पे अपने गेम पे फोकस करें। मुकेश सिंह गहलोत जी हैं, कितने बढ़िया एथलीट हैं, वो मतलब एडमायर करते हैं उन्हें इस, मतलब कितने नए जो नए जनरेशन के बॉडी बिल्डर्स अभी तैयार हो रहे हैं उनको एडमायर करते हैं कि वो तो वो गुरु जी जैसा बने, जो उनका फोकस पूरे अपने गेम पे हो, उनका टारगेट पूरा बॉडी बिल्डिंग पे, जो फोकट की फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी से ना ना करे, अपना ध्यान पूरा अपने गेम पे लगाए। इसलिए तो मेरी यही गुजारिश है, जितने भी लोग एथलीट्स हैं इंडिया के, इसमें मतलब जैसे सिद्धांत जायसवाल है, कितने बढ़िया एथलीट हैं, मतलब कोई कंट्रोवर्सी वो भी नहीं करते अपनी तरफ से लोगों को, और मतलब अभी उन्होंने गोल्ड अपनी कैटेगरी में जीता है, बहुत सारे उन्होंने प्रो शोज अभी अभी उन्होंने हाल ही में कितने रिसेंट प्रो शोज खेले, कभी भी कुछ भी कंट्रोवर्सी अपनी तरफ से नहीं करते उनसे, मतलब इंस्पायरेशन लेनी चाहिए बहुत सारे जो भी यंग एथलीट्स हैं, कॉन्ट्रोवर्सी ना करें अपने, देखो लोगों को भी इंटरेस्ट आता है देखने में, जितने भी व्यूवर्स हैं, उसको क्या बोला, उसने क्या बोला, इसको क्या बोला, ऐसे कितने वीडियोज़ भरे पड़े हैं, लोग देखते हैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए, लोग ये नहीं देखते कि ट्रेनिंग न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो से ज़्यादा तब सबसे ज़्यादा, तो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट होती है एथलीट्स और एथलीट के बीच में जो वॉर होती है वो देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरा यही था वीडियो की क्यों, ये तो मैं अपनी राय देना हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि आप लाइक शेयर करें संजीव सैमुअल फिटनेस को, मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।